ये साइज में छोटा आता है जो कि इस वाली कार के अंदर आता है, हमने बड़ा मिरर लगा दिया है और इसमें आपको डे नाइट का जो एडजस्टमेंट वाला फीचर है वो भी मिल जाएगा। 800 रुपीज की अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे अपने सीट कवर्स ये भी आपको मिल जाएंगे चेरी कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि अपना काफी टाइम आपने देखा होगा इस वाले सीट कवर्स को हम काफी यूज जो है वो करते हैं, मतलब कस्टमर डिमांड आती है और इसके ऊपर पाइपिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अपनी हेडलाइट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इस वाली गाड़ी के अंदर जो है 130 वॉट की जो अपनी हेडलाइट एलईडी है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। लुक आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ आ रहा है और इसका आउटपुट कैसा कुछ आने वाला है वो आप अपने सामने भी चेकआउट कर सकते हो। हाँ, तो अपने शहर में तो दुनिया काम करवाती है, नए शहर में जाके पता चलता है कि क्या चीजें हमारे शहर में कम है। हाँ जी, तो हम वहाँ जाके नई चीजें ढूंढ सकते हैं। फिर तो कुछ लगा डिफरेंस आपको यहाँ और वहाँ के बीच? हाँ, डिफरेंस है, है डिफरेंस। कुछ क्वालिटीज, कुछ आइटम, कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट यहाँ पर है जो वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आपको जो इसकी असिस्टेंट है कल को आपको सर्विस वगैरह चाहिए होगी, तो आप जो है दिल्ली एनसीआर वाले भाइयों के लिए सबसे अच्छी सुविधा ये रहने वाली है कि आपको घर पे आकर के इसकी सर्विस जो है वो मिल जाती है। आप जो है अपने हिसाब से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस वाली कार के अंदर दोस्तों अपना फ्रंट बैक कैमरा जो है वो लगाया गया है, जिसमें आप आउटपुट चेक कर लीजिए। फ्रंट कैमरे का रिस्पांस कुछ इस तरीके का रहने वाला है, रियर कैमरे का जो रिस्पांस है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। जेबीएल का सेटअप लगाया है, फ्रंट डोर के अंदर अपने कंपोनेंट है और रियर डोर के अंदर जो क्विक डुअल स्पीकर्स हैं वो लगे हैं, जिसकी कॉस्टिंग आती है अपने 7000 रुपीज की है। कि यहाँ पे आपको पंच की प्रॉपर जो बैजिंग है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो वीडियो में हम लोग दिखाते हैं, चाहे वो प्राइसिंग की बात करें चाहे वो फिट एंड फिनिश की बात करें, तो सारी चीजें वही ऐसी मिलती है। ऐसा तो कुछ नहीं कि यहाँ पे आने के बाद कुछ आपको फर्क देखने को मिलता है। नहीं, नहीं, नहीं। कुछ भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि फॉग लाइट का जो स्विच है वो कहाँ पर देते हो, कैसे ऑन करते हो। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फॉग लाइट के लिए कोई स्विच नहीं आता, बेसिकली इसका जो कनेक्शन है वो तो अनप्लग के स्पीकर्स लगाए गए हैं। कॉस्टिंग बहुत लाजवाब 3500 रुपीज की कॉस्टिंग में काफी अच्छे साउंड के साथ जो ये स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज करोल बाग में और अगेन अपने सामने खड़ी है दोडो टाटा की पंच। वैसे आज हमारे पास कई सारी गाड़ियां आई हुई हैं जो कि पार्किंग में तैयार करी जा रही हैं, बट आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन दोनों ही गाड़ियों की जो कि हमारे सामने खड़ी हैं। दोनों ही बेस वेरिएंट प्योर हैं और सेम कलर के अंदर रहने वाली हैं, बट काफ़ी कुछ डिफरेंट चीज़ें जो हैं इन दोनों ही कार्स के अंदर इंस्टॉल करी जा रही हैं और काफ़ी कुछ सिमिलर चीज़ें भी हैं जो कि इन दोनों कार्स के अंदर लगाई गई हैं। तो चलिए सामने से बात कर लेते हैं, इन दोनों गाड़ियों का काम कंप्लीट हो चुका है, इस वाली गाड़ी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे फॉग लाइट जो है वो अपनी इंस्टॉल करी जा चुकी है, मिंडा वाली फॉग लाइट है मिंडा की रिले के साथ, और इसके अंदर अपनी जो एलईडी बल्ब है वो भी इंस्टॉल किया गया है। कंप्लीट सेटअप जो है वो अपना आता है 4000 रुपये का। इसमें आपके पास अगर आप एलईडी नहीं लगवाते तो 2500 रुपये में भी आप सेटअप को इंस्टॉल करवा सकते हैं। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर अपनी जो डीआरएल लाइट है वो भी इंस्टॉल करी जा चुकी है, अपर डीआरएल है, जिसके में आपको डुअल टोन का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल जाता है। ये डीआरएल देख रहे हो, इंडिकेटर पुट करोगे तो इंडिकेटर के ऊपर भी सिक्वेंशियल टाइप ये बिलिंग करना स्टार्ट कर देती है। आप चाहो तो पार्किंग बल्ब भी चेंज करवा सकते हो, इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 800 रुपीज़ की। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो अपना एक किट जो है वो भी इंस्टॉल की गई है, बेसिकली अपना डिफ्यूज़र जो है वो लगाया गया है जो कि सिल्वर और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर जीटी लिखा तो होता है बट ये जीटी नहीं होता, इसको सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूज़र ही कहा जाता है। तो ये भी इंस्टॉल किया गया है, इसमें आपको 2 यूनिट मिल जाती है, एक फ्रंट में ही और एक जब रियर में चलेंगे तो वो भी आपको मैं चेक करवा दूँगा। बात कर लेते हैं आप साइड प्रोफाइल की कि यहाँ पे क्या कुछ अपडेट जो है वो किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो अपनी ग्लॉसी किट जो है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है, जिसमें अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर उसके ऊपर आपको ग्लॉसी इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो अपनी हेडलाइट है इसके ऊपर आपको ग्लॉसी गार्निश जो है वो देखने को मिल जाने वाली है। दो चीज़ें ये हो जाती हैं, इसके अलावा डोर हैंडल्स पे आते हैं तो यहाँ पे डोर हैंडल्स के ऊपर भी ग्लॉसी इंसर्ट जो है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। रियर डोर हैंडल की प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है एंड अपनी जो टेल लाइट है उसके ऊपर गार्निश जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये 10 पीस का सेट आता है जिसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 2000 रुपीज़ की। डोर वाइजर भैया जो है वो कंपनी से ही लगवा करके लेकर के आए थे, तो इसके अंदर हमने कोई अपडेट वगैरह नहीं किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो अपने जो रूफ रेल्स हैं वो इंस्टॉल करी जा चुकी हैं, गैलियो ब्रांड की हैं प्रॉपर ग्लॉसी फिनिश के साथ, ये जो है यहाँ पर इंस्टॉल करी गई है। और कुछ चीज़ें जो है दोनों ही गाड़ियों के अंदर कॉमन भी है, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं, तो उनको मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। बाकी आप यहां पे देखोगे तो 2000 रुपीज की कॉस्टिंग में अपनी जो रूफ रेल है वो लगाई गई है, एंटीना जो है वो इंस्टॉल किया गया है 850 रुपीज की कॉस्ट में। अगर आप इसको डमी लगवाते हो तो 500 रुपए में, और अगर आप इसको वर्किंग करवाते हो तो 850 रुपए की कॉस्ट में जो है ये रहने वाले हैं। इसके अलावा अपने जो व्हील कवर्स हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे आईपॉप के डोर एज गार्ड जो है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। व्हील कवर की कॉस्टिंग आती है अपनी 1000 रुपीज की। रियर से बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ लगा हुआ है, तो रियर व्यू जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कैमरे का आउटपुट इंटरव्यू में चल के आपको मैं दिखा दूंगा। बाकी आप यहाँ पे देखोगे तो अपना रियर का जो डिफ्यूजर वाला पार्ट है वो आप चेक कर लीजिए कैसा कुछ रहने वाला है। दो पीस में आता है, फ्रंट वाला आपको मैं चेक करवा चुका हूँ, रियर वाला भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए पंच की प्रॉपर बैजिंग के साथ जो है ये आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं इस कार के इंटीरियर में और आप यहाँ पर देखोगे इंटीरियर से कैसा कुछ लुक जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रेड एंड ब्लैक का वर्क जो है वो आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे अपना मून डिजाइन वाला जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको देखने को मिलने वाला है, इसको आप चेक कर सकते हो।
₹800 की कॉस्टिंग के अंदर जो है ये स्टेयरिंग व्हील जो है वो यहाँ पे कंप्लीट रैप जो है वो किया गया है। अगर आप सिंगल टोर में करवाते हो तो ₹700 में भी करवा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स ये आपको टाटा जेन1 मिलने वाले हैं जो कि यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। और आप चेक कर सकते हो इसकी प्रॉपर वर्किंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। वॉल्यूम अपनी माइनस हो रही है, इस तरीके से अपना वॉल्यूम जो है प्लस हो रही है, म्यूट एंड म्यूट और सारे बटन जो है प्रॉपरली वर्किंग आपको देखने को मिल जाएंगे। ₹3,500 की कॉस्टिंग में जो है ये भी रहने वाले हैं। अब म्यूजिक सिस्टम की हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आप इसका सिस्टम जो है वो भी चेक कर लीजिए। तो दोस्तों ये सिस्टम लगाया गया है 232 की स्पेसिफिकेशन के साथ है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कापले दोनों की जो कनेक्टिविटी है वो आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। टच का रिस्पॉन्स काफी स्मूथ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। और कई सारी एप्लीकेशन आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल भी मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे क्रोम ब्राउजर दिया हुआ है, प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, मैप मिल जाता है, इस तरीके से अपना यूट्यूब है और भी बहुत सारी एप्लीकेशन लाइक यहाँ पे आप देखोगे हॉटस्टार है। और अपना जेड लिंक के थ्रू आप एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कापले दोनों की जो कनेक्ट है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको कनेक्टिविटी के लिए जो है वो आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ अपना जो रियर व्यू कैमरा है वो भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे भैया ने जो है वो गियर लॉक लगा रखा है। तो बात कर लेते हैं अब रियर व्यू कैमरे की, तो कैमरे का रिस्पांस कैसा कुछ आ रहा है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। AHD जो कैमरा है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और इसका डे टाइम में कैसा कुछ आउटपुट आ रहा है वो आपके सामने है। बाकी कॉस्टिंग की हम बात कर लेते हैं तो 8,500 की कॉस्टिंग में अपना जो सिस्टम है विद कैमरे के साथ जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि बता रहा हूँ गियर लॉक जो है वो भी इंस्टॉल किया जा चुका है, तो ये भी सेफ्टी पर्पज के लिए आप जो है वो लगवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिस्टम वगैरह की बात हो गई, स्पीकर की हम बात कर लेते हैं। तो आज वाली गाड़ी के अंदर जो स्पीकर लगे हैं दरवाजे तो पैक हो चुके हैं, स्पीकर लगाए गए हैं अनप्लग के और दोनों ही यानी कि चारों दरवाजों के अंदर अपने जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं, आपको अंदर शायद नजर भी आ रहा हो। तो अनप्लग के स्पीकर्स लगाए गए हैं, कॉस्टिंग बहुत लाजवाब 3,500 की कॉस्टिंग में काफी अच्छे साउंड के साथ जो ये स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 1 ईयर की जो वारंटी है वो भी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे टाटा जेन1 अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। इस वाले मॉडल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज मिलती है, हमने रियर की पावर विंडोज जो है वो भी इंस्टॉल करी हुई है, जिसको आप ड्राइवर साइड से कंट्रोल कर पाओगे। 10,500 की कॉस्टिंग में जो है ये अपनी पावर विंडोज यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी हैं। दोस्तों बारी है आपको सीट कवर्स दिखाने की, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ₹5,500 की कॉस्टिंग वाले जो अपने सीट कवर्स हैं वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किए जा चुके हैं, आप चेक कर सकते हो। और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सेंटर में जो अपनी पंचिंग डिजाइन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये अपने सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। पीछे से भी आज की इसकी जो फिनिशिंग वगैरह है वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वाली कार के अंदर यही सारा कुछ जो काम है वो किया गया था। अब मिलते हैं एक बार कार के ओनर से और हम उनसे जानते हैं कैसा कुछ उनका फीडबैक रहा है। तो दोस्तों कार की सारी चीज़ें मैं आपको दिखा चुका हूँ, मिलते हैं कार ओनर से, सर से जानते हैं कैसा कुछ उनका रिस्पॉन्स रहा है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। अखिल। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? विकासपुरी। विकासपुरी से, दिल्ली से ही? मतलब दिल्ली से ही। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? आपके YouTube चैनल मतलब देखा था, उसमें वीडियोस देखा था। आप यहाँ पर आए हो? हाँ। तो सबसे पहले यही पूछूंगा कि जो चीज़ आपको चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई? A to Z सब कुछ यहाँ पे मिला। सब कुछ आपको मिल गया है? फिट फिनिश गाड़ी का काम कम्प्लीट है? सब एकदम फिट टू फिनिश, सब एकदम बेस्ट हो गया है। तो जो क्योंकि आप कह रहे हो कि आप वीडियो देखकर के आए हो, तो आपसे ये पूछूंगा जो वीडियो में हम लोग दिखाते हैं चाहे वो प्राइसिंग की बात करें चाहे वो फिट एंड फिनिश की बात करें, तो सारी चीजें वही ऐसी मिलती हैं? डिटो वही है, ऐसा तो कुछ नहीं कि यहाँ पे आने के बाद कुछ आपको फर्क देखने को मिलता? नहीं नहीं नहीं, आज भी उल्टा बीच एक्चुअली काम जल्दी हो जाता, बीच में बारिश हो गई थी इसके लिए इसलिए थोड़ा डिले हो गया, वरना तो बहुत तेज बारिश आई थी। तो अब ये बताएं कि मतलब कंप्लीट सेटिस्फाइड होकर के आप जा रहे हो? हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली थोड़ा सा और काम था, एक्चुअली टाइम कम था, इसलिए अभी मैंने थोड़ा और फ्लोरिंग और ये सब कराना है, वो अगली बार 1-2 हफ्ते में आके वापस कराना है बस। ठीक है, तो अभी जितना काम गाड़ी के अंदर हुआ है उसकी हम बात करें, अगर आपको एक रेट कराऊं 10 में से नंबर देने हो कितने नंबर देना चाहोगे? 10 नंबर। कोई मतलब अगर किसी को भी पंच का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं डेक्रम कार्स का आ सकता है, रिकमेंड भी आपने कर दिया है। पेमेंट रह गई है, पेमेंट क्या रही है अपनी जो मैंने करी जो आपने पे करी है? मैंने 50,000। 50,000 तो ये वर्थ रहा है अपना? या पूरा वर्थ रहा है। तो मैंने कुछ चीज़ें दोस्तों नहीं दिखाई हैं, जैसे कि यहाँ पे USB पोर्ट जो है वो इंस्टॉल किया गया है और अपना जो चाबी है सेंटर लॉक वाली वो भी इंस्टॉल करी गई है, तो वो चीज़ें इसमें अपनी ऐड रही हैं। बाकी हाँ इसमें स्पीकर आपका आउटपुट सुन लिया आपने स्पीकर का? सब कैसा रहा स्पीकर आउटपुट? अच्छा था। अच्छा है ना, कहीं उसमें कुछ कमी लगती नहीं अभी तक तो? नहीं, अब थोड़ा और यूसेज के बाद यूसेज के बारे में एग्जैक्ट बता पाऊंगा। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आप वीडियो देखकर के आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अपनी वाली गाड़ी जा रही है, अब बात कर लेते हैं अपनी इस वाली कार की कि इस वाली कार में क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। सामने से आप लुक चेक कर लीजिए, इसमें अपडेट थोड़े डिफरेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें जो सिमिलर थी वो आपको पहले गिनवा देता हूँ। GT अपनी जो किट है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, डिफ्यूजर किट सेम लगी हुई है, फॉग लाइट किट जो है वो भी सेम लगी हुई है। डिफरेंस आप देखोगे तो अपनी हेडलाइट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। इस वाली गाड़ी के अंदर जो है 130 वॉट की जो अपनी हेडलाइट LED है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है। लुक आप चेक कर सकते हो कैसा कुछ आ रहा है और इसका आउटपुट कैसा कुछ आने वाला है वो आप
अपने सामने भी चेकआउट कर सकते हो, प्रॉपर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऑफ कंडीशन में ये फॉग लाइट और ये अपनी हेडलाइट, और इसके साथ भी अपना हाई और लो जो है वो प्रॉपर अपना जो वर्किंग आपको देखने को मिलने वाला है। कुछ भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि फॉग लाइट का जो स्विच है वो कहाँ पर देते हो, कैसे ऑन करते हो, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि फॉग लाइट के लिए कोई स्विच नहीं आता। बेसिकली इसका जो कनेक्शन है वो इसके अंदर ही दिया जाता है। यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मैं पहला स्विच घुमाऊंगा तो यहाँ पे अपनी जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले जो रनिंग में आएगी वो अपनी फॉग लाइट ही आती है। इसको भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो फॉग लाइट जल चुकी है इस तरीके से है, क्योंकि इसका जो स्विचेस आते हैं बहुत ही ज्यादा आप देखोगे तो आप लगवाओगे भी नहीं, इस तरीके की कंडीशन में आते हैं। बट ये जो अपने रिले के साथ प्रॉपर इसका काम किया गया है, तो इसलिए इसमें कोई वायर कटिंग वगैरह जो है वो नहीं होती है। यहाँ पे आप इसकी हेडलाइट का आउटपुट भी चेक कर सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। तो 130 वोल्ट की अपनी हेडलाइट में एलईडी है, और इसके अलावा पार्किंग बल्ब जो है वो भी इसका चेंज किया जा चुका है। पार्किंग बल्ब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डीआरएल लाइट इस वाली कार के अंदर नहीं है, पार्किंग बल्ब का जो चेंज है वो किया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे पंच की आपको जो बैजिंग है वो देखने को मिल जाएगी, ये यहाँ पे लगाई गई है, बंपर वाले पार्ट पे रहने वाली है। अगर आप चाहो तो बोनेट के ऊपर भी लगवा सकते हो। ग्लॉसी किट भी यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इस वाले पोर्शन के ऊपर है, यहाँ पे जो है अपने आउटसाइड मिरर के ऊपर, डोर हैंडल के ऊपर, यहाँ तक कि रियर वाले पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और रियर डोर हैंडल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ग्लॉसी किट जो है वो इंस्टॉल यहाँ पर करी गई है। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको सिमिलर देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि वहाँ पर भी डोर वाइजर कंपनी से ही लगे हुए थे, यहाँ पर भी डोर वाइजर कंपनी से ही लगे हुए हैं, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं जिनको हम बताएंगे आपको क्या क्या रहने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे आईपो वाले डोर एज गार्ड वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इसके व्हील कवर जो है भैया कंपनी से ही लगवा करके लेकर के आए हुए थे, तो इसमें कोई अपडेट हमने नहीं किया। आप चाहो तो हमारे पास से भी करवा सकते हो। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ पीछे आते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे अपना जो रियर का स्पॉइलर है ये भी कंपनी से ही लगा हुआ था, और यहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी इस वाली कार के अंदर। फ्रंट एंड बैक कैमरा जो है वो सपोर्ट वाला कैमरा सेटअप जो है वो इंस्टॉल किया गया है। और नीचे की तरफ आप आते हो तो यहाँ पे डिफ्यूज़र जो है वो लगाया जा चुका है। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर से क्या कुछ अपडेट जो है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों इंटीरियर से सबसे पहला चेंज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अपने पावर विंडोज जो है वो रियर वाली नहीं लगाई हैं, उस वाली गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी गई थी। स्पीकर भी आपको यहाँ पे चेंज मिलने वाले हैं। इस वाली कार के अंदर JBL के स्पीकर का जो सेटअप है वो रहने वाला है। उस वाली गाड़ी के अंदर 3500 रुपये में 4 स्पीकर से इस वाली गाड़ी के अंदर JBL का सेटअप लगाया है। फ्रंट डोर के अंदर अपने कॉम्पोनेंट है, और रियर डोर के अंदर जो क्विक्सल स्पीकर हैं वो लगे हैं, जिसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 7000 रुपीज़ की। बाकी अंदर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको डुअल टोन जो स्टेयरिंग रैप है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिकली मून डिज़ाइन कहा जाता है। इसकी कॉस्टिंग आती है अपनी 800 रुपीज़ की। अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे अपने सीट कवर्स ये भी आपको मिल जाएंगे चेरी कलर के कॉम्बिनेशन के साथ, जो कि अपना काफ़ी टाइम आपने देखा होगा इस वाले सीट कवर्स को हम काफ़ी यूज़ जो है वो करते हैं, मतलब कस्टमर डिमांड आती है। और इसके ऊपर ही पाइपिंग वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। 5500 रुपये की कॉस्टिंग में जो है ये रहने वाले हैं। उस वाली गाड़ी के सीट कवर 5500 के ही थे। यहाँ पे आमरेस्ट लगा है जो कि मल्टीपल पर्पज़ वाला है, जिसमें आपको स्लाइडिंग वगैरह का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। नीचे स्पेस वगैरह जो है काफ़ी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। अब बैठते हैं और आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं जो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे सबसे पहला यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वो इंस्टॉल किए गए हैं। 3500 रुपीज़ की कॉस्टिंग में ये रहने वाले हैं, टाटा जेन1 है। और सिस्टम में यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिल जाएगा, अनप्लग का जो सिस्टम है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है, जिसमें आपको फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम सिस्टम की बात करते हैं, टच का रिस्पॉन्स कैसा कुछ आ रहा है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। काफ़ी क्लियर जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा कि काफ़ी फास्ट इसको मूव कर रहा हूँ, फिर भी आपको लैग बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होगा। इस वाली कार के अंदर दोस्तों अपना फ्रंट बैक कैमरा जो है वो लगाया गया है, जिसमें आप आउटपुट चेक कर लीजिए। फ्रंट कैमरे का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का रहने वाला है। रियर कैमरे का जो रिस्पॉन्स है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इवन इस कैमरे की जो मूवमेंट है वो भी आप जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ये भी अपना जो है वो चेंज करती है। तो इसको भी आपको मैं चेकआउट करवा देता हूँ, इसको भी आप जो है अपने हिसाब से जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सिस्टम का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और चीज़ों की हम बात कर लेते हैं क्या कुछ रहने वाला है। तो 4x32 की स्पेसिफिकेशन के साथ जो अपना सिस्टम है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है, और इसका रिस्पॉन्स वगैरह भी मैंने आपको दिखा दिया है। कई सारे एप्लीकेशन आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएंगी, लाइक क्रोम ब्राउजर दिया गया है, मैप है, नेटफ्लिक्स आपको मिल जाता है, यूट्यूब है, प्ले स्टोर यहाँ पे, यूट्यूब यहाँ पे, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। जेड लिंक के थ्रू आप जो है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल का दोनों को जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसकी कनेक्टिविटी के लिए जो है वो आपको मिल जाएगा। BT ऑन करिए, इस एप्लीकेशन को ऑन करिए, अपने आप जो है वो कनेक्ट हो जाता है। बाकी नीचे अपना USB पोर्ट जो है वो इंस्टॉल किया गया है 350 की कॉस्टिंग के साथ। सिस्टम की कॉस्टिंग की हम बात कर लेते हैं, 17500 रुपीज़ की कॉस्ट में जो सिस्टम है वो इंस्टॉल किया गया है, जिसमें आपको फ्रंट बैक कैमरे का कंप्लीट जो सेटअप है वो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा सिस्टम है, अनप्लग का है, और इसमें खासियत आपको ये मिलने वाली है कि अगर आप दिल्ली NCR से हैं तो आपको जो इसकी असिस्टेंट है कल को आपको सर्विस वगैरह चाहिए होगी, तो आप जो है दिल्ली NCR वाले भाइयों के लिए सबसे अच्छी सुविधा ये रहने वाली है कि आपको घर पे आकर के इसकी सर्विस जो है वो मिल जाती है। तो ये काम जो है वो किया गया है। सीट कवर्स मैंने आपको दिखा दिए, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के जो है वो
आपको देखने को मिल जाएंगे। रियर की फिटिंग कैसी आ रही है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो प्रॉपर काम हो चुका है। फ्लोर पे आप देखोगे डाई वाली अपनी जो फ्लोरिंग है वो भी यहाँ पे इंस्टॉल करी जा चुकी है, जो कि क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ रहने वाली है। फ्लोरिंग में ध्यान दीजिएगा 1200 रुपये से हमारे पास स्टार्टिंग है, बट ये वाली अगर आप फ्लोरिंग करवाते हैं तो 2200 रुपये की कॉस्ट में जो है ये वाली फ्लोरिंग आपको मिल जाने वाली है, जो कि प्रीमियम क्वालिटी की अपनी फ्लोरिंग होती है। तो यही सब काम जो है इस वाले कागज में किया गया था। ऊपर बल्ब जो है वो भी चेंज किया गया है, मिरर जो है वो भी चेंज किया जा चुका है। ये आप इनसाइड रियर व्यू मिरर देख सकते हो, ये साइज में छोटा आता है जो कि इस वाली कागज में आता है, हमने बड़ा मिरर लगा दिया है। और इसमें आपको डे नाइट का जो एडजस्टमेंट वाला फीचर है वो भी मिल जाएगा। और सेंटर डोर लॉकिंग जो है वो भी इंस्टॉल करी गई है, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उस वाली कागज अंदर भी सेम जो की है वो आपको मिलती है, और इसको भी आप चेक कर सकते हो कैसी कुछ रहने वाली। लॉक अनलॉक का बटन है, सेंटर वाले बटन से जो है आप म्यूट लॉक कर सकते हैं। टाटा का लोगो, आरटी की मार्किंग वगैरह सारी कुछ आपको मिल जाती है। तो दोस्तों हमने कार की सारी चीज़ें दिखा चुका, मिलते हैं कार ओनर से, जानते हैं कि इनका कैसा कुछ रिस्पांस रहा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए आप। मनीष गुप्ता। और सर आपका नाम? विकास कुमार। विकास कुमार एंड मनीष गुप्ता जी। Yes. तो हमारे पास आए हैं, सबसे पहले बताइए सर जो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? आपके YouTube चैनल से पता चला, मतलब वीडियोस वगैरह देख करके आप यहाँ पर आ रहे हो। तो जो जो चीज़ें आपको अपनी कार के लिए चाहिए थी सारी कुछ यहाँ पे मिल गई हैं? सब कुछ मिल गया। फिट एंड फिनिश वगैरह की बात करेंगे, कैसा रहा अभी तक? तो सब अच्छा दिख रहा है। और जितने हमें नॉलेज हमने देख लिया यहाँ पे, अब तो एक दो महीने बाद ज्यादा चीजों को पता चलेगा, दो दिन हम यूज करेंगे तो पता चलेगा। हाँ जी। कुछ चीजें क्या होती है, आपकी पेस्टिंग है। हाँ। पेस्टिंग की क्वालिटी तो जैसे निकल के आएगी सामने धूप में जाएगी तब पता चलेगा, आज तो पहला दिन है इसके लिए। और वैसे फिनिशिंग बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फिट एंड फिनिश जो कि हम लोगों ने वीडियोस में दिखाया हुआ है वही सेम फिट एंड फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब उस मामले में जैसे कि अगर मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन में पूछूं, जो अभी तक, क्योंकि आपने कहा कि फीडबैक जो है वो दो महीने बाद आता है अपना एक्चुअल जो होता है, लेकिन इनिशियल की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि अभी हम आपसे इनिशियल ही ले सकते हैं, वो अपनी मजबूरी है। तो इनिशियल फीडबैक ही हम बात करते हैं, तो इनिशियल फीडबैक में कुछ कमी लगती है आपको? नहीं, इनिशियल फीडबैक बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाफ के बिहेवियर वगैरह की बात करें, या जिस भी कारीगर ने आपकी गाड़ी के अंदर काम किया है उसका बिहेवियर की बात करें, कैसा रहा? सबका अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। कहीं मतलब कमी न रखती हो? नहीं, नहीं, नहीं। अब आपसे ये पूछा जाए कि आप, हमने ये पूछा नहीं आप कहाँ से आए हैं, ये बताइए। रेवाड़ी से। रेवाड़ी से आप आए हुए, तो वहाँ पर भी तो काम होता है वैसे रेवाड़ी में भी, तो वहाँ से छोड़ करके आप यहाँ पे आए हो, कोई खास रीजन? ट्रस्ट है कि कुछ नया देखते हैं करोल बाग में कैसा क्या काम होता है। हाँ जी। इनकी वीडियो काफी देखी थी। हाँ। तो अपने शहर में तो दुनिया काम करवाती है, नए शहर में जाके पता चलता है कि क्या चीजें हमारे शहर में कम है। हाँ जी। तो हम वहाँ नई चीजें ढूंढ सकते हैं फिर। तो कुछ लगा डिफरेंस आपको यहाँ और वहाँ के बीच? हाँ, डिफरेंस है, है डिफरेंस। कुछ क्वालिटीज, कुछ आइटम, कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट यहाँ पर है जो वहाँ पे नहीं मिल पाते हैं। अच्छा, मैं अगर शॉप की बात करूँ, डेकोरम कार एक्सेसरीज के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग बेसिकली पंच ज्यादा मॉडिफाई करते हैं, आपने देखा भी होगा। यहाँ पे गाड़ियाँ बन रही थी और बाकी में भी तैयार करी जा रही थी, तो ऐसा लगा आपको कि यहाँ पे पंच के सामान की शॉर्टेज है? मतलब इस तरीके का नहीं, मतलब वेराइटीज वगैरह मिल जाती है? हाँ, वेराइटीज मिल जाती है। मतलब एक आइटम वैसे इनके पास काम अच्छा है, कुछ कमी रहती है तो आस पास की उनकी कंपनियां हैं उनसे मंगवा लेते हैं सामान, मतलब अरेंज वगैरह हो जाता है। लेकिन अच्छा। बस मेरे पावर विंडो रह गई यहाँ पे। हाँ, वो लास्ट में आपने बोली थी। हाँ, नहीं हो पाई। चलिए अब ये बताइए सर कि एक रेटिंग करनी होगा आपको, 10 में से कितना बजना चाहोगे आप? 10 में से 10 देंगे। 10 में से 10 भैया आप कितना बजना चाहोगे आपकी तरफ से? 10 में से 10 देंगे बस। आपकी तरफ से काम में कुछ कमी लगी हो? ना, काम अच्छा है। हाँ। स्टाफ भी आपका काफी कोऑपरेटिव लगा, बाकी सर्विस के मामले में बेस्ट है। बेस्ट रहा। पेमेंट की हम बात करें तो पेमेंट सर क्या पे कर दिया आपने? पेमेंट मैंने दे दिया इनको 60,000। तो ये पेमेंट वर्थ है अकॉर्डिंग टू काम? हाँ, कह सकते हैं वर्थ है। हाँ, प्राइस की हम बात कर रहे हैं तो जो प्राइस आपको मैंने ऑनलाइन बताया वही प्राइस आपको यहाँ पे? प्राइस का मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। हाँ। और व्यूअर्स को भी क्लियर कर देता हूँ। हाँ। प्राइस जो बताते हैं ना उसके अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, कि वो प्राइस आपको बताते हैं जो प्रोडक्ट इस गाड़ी में लगे हैं। हाँ। हो सकता है कि आप आके दूसरा ब्रांड लो, उससे अच्छी क्वालिटी का लो, तो प्राइस अप डाउन हो गई होगा। जैसे भैया कह रहे थे कि 1500 रुपए की रूफ रेल वाली बात है ना, अब ये चीज आप जो बताते हो ना, जैसे 15 रूफ रेल आपने बताई, तो आप कंपनी का नाम नहीं बताओगे ना क्या है? हाँ। आपने जनरली एक बता दिया कि इस गाड़ी में इतने तरह का आइटम लगा हुआ है। हाँ जी। तो वो चीजें थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है इसके अंदर। मतलब आप जैसे कि तो आपके पास 5,500 का भी मिल जाएगा। हाँ। 10,000 का भी मिल जाएगा स्टीरियो, बट आपको कौन सी क्वालिटी आपको किस तरीके का चाहिए उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो ओवरऑल सेटिस्फाइड होगा कि आप जा रहे हो? हाँ, डेफिनेटली। चलिए सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, आप रेवाड़ी से आए हो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और नई नई कार परचेज करी उसके आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।